हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा सजीत। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे अपना वीडियो शुरू करती हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? आई होप ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी शाम के 3:40 हो गए हैं और 4 o'clock का अभी बेटा आएगा। तो मैंने उसके लिए पोटैटो को फ्राई किया, पापड़ बनाया और ये देखिए अंडा भी बना लिया। तो अभी मैं उसको उसके लिए रख दूंगी। तो इतना देर में सो रही थी और ये भी सो रहे हैं। एक्चुअली दोपहर को रेस्ट ले रहे थे खाना खाने के बाद, तो अभी तो 4 बजा नहीं है, अब वो 5 बजे उठेंगे हस्बैंड। तब तक मैं सोची कि अपना ये वाला काम निपटा लूँ और दूसरा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक नया ड्रेस ख़रीदा जो एक फ्रॉक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फ्रॉक लिया है, जो एक फ्रॉक है जो मैंने मीशो से लिया है। फ्रेंड्स ये देखिए, कमेंट करके बोलना कि आपको कैसा लगा और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका रेट और लिंक मैं दे दूंगी, अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद लें। तो बहुत अच्छा फ्रॉक है फ्रेंड्स, आप घर पे पहन सकते हो। थोड़ा सा नीचे एक ऐसे लेगिंग्स जैसा पहनने से या ऐसे थोड़ा छोटा वाला लेगिंग्स पहनने से अच्छा है। ऐसे ये फुल लेंथ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, नी से नीचे है। ऐसे मैं पहन के आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो इसके साथ अगर आप चाहो तो लॉन्ग पैंट, थोड़ा सा लॉन्ग पैंट भी पहन सकते हैं, या तो पैंट जो अंदर तक रहता है वो भी पहन सकते हैं। वैसे ये वाला मैंने ले लिया था, मेरे को एक मन था एक फ्रॉक ले लूँ करके। तो मैं ये ऐसे फ्रॉक्स बहुत सारा लेने चाहती थी, लेकिन थोड़ा मन में थोड़ा एक डाउट भी था कि कैसे लगेगा, कि हम लोग ऐसे पहनेंगे। एक्चुअली ये आजकल लेडीज़ भी पहन रही है यहाँ पे, तो हर कोई लेडीज़ बस में जाती है ये सब पहन के। तो मैं सोच रही थी, तो मैंने इनसे कहा तो ये बोल रहे कि बच्चे पहन के जाते, तुम बच्ची हो क्या? मैंने बच्चे खाली नहीं पहनते, बड़े भी पहनते। बड़े तो इससे भी अच्छा कॉस्टली ड्रेसेस पहनते हैं, जो वेलवेट में सब आते हैं फ्रॉक सब। तो मैंने कहा कि अभी हम लोग एक टूर पे जाने के लिए सोचे थे, जो कल सा जाने, वो भी कैंसिल होता जा रहा है, फिर से कैंसिल हो गया, कल का भी कैंसिल हो गया। तो कल हम मैं तो आयुर्वेद, आज मैं 9 बजे जाने को सोची थी, वो कैंसिल हो गया। वो भी एक्चुअली इनको जॉब थोड़ा जल्दी था तो कैंसिल हो गया। अभी ये सो रहे हैं तो मैं इसीलिए किचन में आके वीडियो ले रही हूँ फ्रेंड्स। फिर और दूसरा, मैं अभी ये इसके दर्द की वजह से इस बार का भी मेरा घर का जो टूर है कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि अभी जो पॉलिटिक्स का जो ये चल रहा है ना, इलेक्शन जो चलेगा, तो उसके लिए एक गाड़ी बना रहे हैं लोग, जिसमें हमारे मामा जी जाएंगे और कांग्रेस के दूसरे पॉलिटिशियंस भी रहेंगे, दूसरे लीडर्स भी लेंगे। तो उस दिन हमारा वैली रहेगा कि ऐसे जगह जगह पे जाके लोग ऐसे वोट के लिए बोलेंगे, हेल्प करेंगे, ऐसे ऐसे रहेगा। तो उसको एक बड़ा सा गाड़ी बनाते हैं जो हमारे घर से बनाते हैं, तो हमेशा हर साल यही पे बनता है। तो इसका सब आवाज़ अभी आ रहा है। और दूसरा, ऐसे मैं भी जाती हूँ उनकी गाड़ी में, पहली बार पहले भी गई थी,
तो कभी ऐसे जाते हैं, लेकिन इलेक्शन में लास्ट टाइम भी कांग्रेस नहीं जीता था, तो इस बार भी कुछ पता नहीं है जीतेगा कि नहीं। नहीं जीतेगा नहीं, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं, हर साल बन जाते हैं। तो फिर दूसरा क्या बोल, फिर क्या आज का वीडियो, तो फ्रेंड्स हम सोच रहे यहीं पे मैं या यही तक मैं ले लूँ वीडियो, और दूसरा मैं क्या बोलूँ, दूसरा मैंने ड्रेस का मैंने लिया, और दूसरा मैंने ड्रेसेस लिया नहीं है अभी, तो मकर संक्रांति का टाइम हो गया, दिन हो गया मकर संक्रांति का, जो ये था किसी किसी ने सेलिब्रेट किया था, और यहाँ पे है तो मगरवर्क कहते हैं, जो शबरीमला में, शबरीमला जो रहता है ना वहाँ पे ये इसका पूजा चलता है, तो वहाँ पे लेडीज़ नहीं जाते उस मंदिर पे, खाली जेंट्स जाते हैं, और तब जेंट्स को व्रत लेना पड़ता है और एकदम ब्राह्मण बन के रहना पड़ता है, उनको कुछ शराब नहीं पीना चाहिए, औरतों को, औरतों के साथ शादीशुदा आदमी औरतों से दूर, दूसरे का सामने नहीं रहते, पास में नहीं रहेंगे बीबी के साथ, तो दूसरे कमरे में सोएंगे, ऐसे ऐसे रहता है। तो ये एक ही बार हुए थे, लेकिन ट्राई किए थे कि कैसे वो होगा करके, लेकिन इनसे नहीं हो रहा है बहुत। दूसरे खाने वाने में नॉनवेज नहीं, सब नहीं खाना चाहिए, तो इनसे नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से एक बार ले लिए लिए थे। दूसरा अभी हाल ही में मेरे को भी एक आंटी जी थी, तो आंटी जी के बेटे ने लिया था, तो उन्होंने हमको प्रसाद लेके आए थे हमारे लिए, वहाँ का शबरीमला का, और वरना पायसम मिलता है उसमें, और जो मूढ़ी रहता है ना, मूढ़ी में जो प्रसाद रहता है, जो मिश्री रहता है, और बड़ा मिश्री भी रहता है तोड़ के डालते हैं, फिर गुड़ गुड़ डालते हैं उसमें, फिर केला डालते हैं, फिर हलवा रहता है उसमें, फिर ये अरवणम पायसम जो रहता है ना, उसका बड़ा बड़ा डब्बा लेके आते हैं, और दूसरा लड्डू वगैरह रहता है उसमें, फिर एक अप्पम रहता है उसमें, कड़क एकदम कड़क वाला एक अप्पम रहता है उसमें, तो वो सब रहता है उस प्रसाद में, बहुत अच्छा रहता है। फिर केले का चिप्स सब डालते हैं उसमें, तो हमारे में तो नहीं, हमारे घर में कोई नहीं रहता, हम तो दो बेटे हैं, और औरतें जा सकती है आफ्टर 60 ईयर्स के बाद जा सकती है, और वहाँ पे जाना मतलब बहुत बड़ा बड़ा बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है आफ्टर 60 ईयर्स, किसी किसी को लेडी को जा सकना जाना मतलब इतना छोटी बात नहीं, छोटा काम नहीं है, बहुत सीरियस चढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए मैं भी सोची हूँ कि मेरी दीदी का भी, तो अभी अब दीदी और मैं मिलके जाऊँगी, जब 60 ईयर्स का हो जाएंगे, 60 ईयर्स हो जाएगा जब, 61 ईयर्स के हो जाएंगे तब हम जाएंगे, बोले सोच रहे, वैसे बहुत मज़ा आता है, लेकिन सीढ़ी बहुत चढ़ना पड़ेगा, वैसे जैसे पलनी का सीढ़ी, वैसे भी पलनी का फिर भी कम है वहाँ से, वहाँ के कंपेरिजन में पलनी का भी बहुत बड़ा सीढ़ी रहता है चढ़ने के लिए, बहुत सीढ़ी चढ़ता है, चढ़ना है बहुत सीढ़ी, और जब नीचे आते हैं तो वो रोप में आते हैं, इसलिए उसका थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चढ़ना भी है सीढ़ी में, उतरना भी है सीढ़ी में, ऐसे तुम यहाँ पे इस उसका पूजा इसी टाइप से होता है, बाकी के पूजे भी बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन डेट हो गया, ख़त्म हो गया, दिन ख़त्म है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो फ्रेंड्स फिर अभी अभी मेरा बेटा आएगा, फिर मैं उसके पीछे उसका खाना बना के दूंगी, फिर थोड़ी देर वो बैठेगा, रेस्ट लेगा, फिर खेलने के बाद फिर वो शाम को 6 बजे फिर उसको जाना है जिम पे, फिर वो आज तो एस्टर्डे तो 9 तक वो पढ़ाई कर रहा था, 2 बजे तक,
पढ़ाई भी उसका 2 बजे बैठता है तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि तो बाकी के टाइम पे उसको नींद आता है, काम कर स्कूल जाके आने के बाद उसको नींद आता है तो थोड़े देर सो जाता है। मेरा भी सोना हो गया, मैं भी 2 बजे सोई, 3 बजे सोई थी और मेरा नींद टूट गया अभी तो मैं वैसे वीडियो देख रही थी, यूट्यूब देख रही थी, तो मेरे फ्रेंड्स के कुछ वीडियोस में देख रही थी तो लोग अभी अभी 2 बजे शायद डाले थे, 1 घंटा तो 2 घंटा तो हो गया उन लोग का वीडियो डाल के। तो मेरा वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।